हे भगवान, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, आपको तो सब पता है ना कि मैं और विष्णु एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। अब आप ही रास्ता दिखाइए। फिर भी परिवार का मान रखने के लिए इन रस्मों में फंसे हैं, अब आप ही हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। ऐसा कोई रास्ता दिखाइए हमें जिस पर चल पड़े तो विष्णु के लिए हमारे दिल में जो प्यार है उसे भुला सके। भुला नहीं पाई है वो मुझे, फिर भी क्यों इतना आगे बढ़ रही है? आप तो जानती हैं हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है? वक्त बहुत कम है भगवान, कुछ कीजिए अब आप। भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनाए रखें। आप वर वधु मंदिर की परिक्रमा कीजिए। मेहंदी के फंक्शन से पहले हम अन्नी को सारा सच बता देंगे। लाइए पंडित जी, ये थाल मुझे दे दीजिए, मैं दूल्हा और दुल्हन को दे दूंगा। मुक्ता बेटा, आप अकेले आए हो या सब आए हैं? नहीं नहीं, सब है ना, अम्मू नानी रोहिणी मासी और पापा भी अभी अभी गए। आइए। अम्मू नानी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी ठीक है। आज कोई खास बात? सब मंदिर आए हैं। हाँ, मेरी नातिन, उसकी शादी होने वाली है, बस भगवान जी को न्योता देने आए थे। बधाई हो। दूल्हा कहाँ है, मिलवाओ तो हमें। हाँ हाँ, अरे देखिए आगे, विष्णु, ये हमारी ठकुराइन के परिचित हैं और ये हमारे होने वाले दामाद विष्णु। मिम्सा, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मिम्सा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। मिम्सा, एक बार बात तो सुन लीजिए। मिम्सा, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मिम्सा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चुप रहोगे थोड़ी देर? मुझे मेरा पूजा खत्म करने दोगे? मैं कह रही हूँ बाद में बात करेंगे, लेकिन नहीं। मिम्सा मिम्सा मिम्सा, क्या है तुम्हारा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीपल का पेड़ है ये, इसके साथ फेरे लेने थे आपको, विष्णु के साथ। यही बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये फेरे मेरे साथ ले लिए, कुछ गलत नहीं किया। हाँ कुछ भी हो, लेकिन शादी के साथ फेरे तो मुझे विष्णु के साथ ही लेने हैं ना। फिर तुम जिंदगी भर अपने आप पर और मुझ पर हमेशा के लिए हंसते रहना। नमस्ते। ये लीजिए पंडित जी। विष्णु काफी सरल और नेक स्वभाव के, मीठी बहुत खुश रहेगी उनके साथ। पर दामिनी, वो कुछ महीने पहले ठकुराइन मिली थी, बता रही थी कि मीठी की शादी है,
तो क्या तुम मीठी की दोबारा शादी कर रही हो? जी हाँ, ये मेरी पत्नी की दूसरी शादी है। और मैं उनका पति आपको निमंत्रित करता हूं। उनतीस अगस्त को शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। और अगर आप सबके पास वक्त हो, आज इनकी मेहंदी है, अच्छा लगेगा अगर आप सब आएंगे। पहलवान की सारी पहलवानी निकल गई। ओ पहलवान, चलो खाना खा ले। बोल बोल उसको, खाना खा ले। ओ पहलवान, भाव इसको भाव। अरे खोल जल्दी खोल। अरे देख क्या हुआ इसको। भाई अरे तू क्या कर रहा था, देखा नहीं क्या? अरे हम तो खाने लाने गए थे, तू देख क्यों नहीं रहा था? अब क्या करते, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे तो बुलाना डॉक्टर को। होशियारी दिखा दी, अब बेटा आंखों में पट्टी बांध, पगल पट्टी बांध, पट्टी आंखों में बांध। नसीबन गलती कर रहे हो तुम लोग, आगे अपनी हालत ठीक कर। अब भगत आ गया है कि तू तेरे अपनों से मिले, चल जल्दी चल। रुक, तोहार सामने तोहार कोई अपना खड़ा है। कौन है? बुलाते हैं हम आपको, अपनी मां से ज्यादा प्यार किया है आपको। फिर काहे ऐसा? जान पे आई तो रिश्ता याद आ गया। वो दिन रिश्ता याद ना आई था जब तू तुहार बाऊजी और चुड़ैल बहिन हमार मार खिलाफ साजिश रच रहे थे। याद अब दिन रात